with a ghost. So एक लव रोमांस ड्रामा ये भाई जो सीधा दिल से कनेक्ट करती है और कहीं ना कहीं भाई हम सभी उससे रिलेट कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लाए ऐसे ही 10 दुनिया की बेहतरीन एपिक लव रोमांस मूवी, जिसमें भाई बोनस मूवीज भी होंगी जो हमेशा की तरह सिर्फ बेस्ट होंगी, एक भी मिस ना करिएगा। तो आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर 7 की मूवी, दो डिफरेंट कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो प्यार पनपता है, वो देखने में ना भाई सुकून आता है। नंबर 7 की मूवी आपको वो सुकून फील कराएगी। हम बात करें नेटफ्लिक्स की तरफ से 2019 की रोमांस कॉमेडी के साथ फॉलिंग इन लव। स्टोरी भाई गैब्रियल की है जो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में है। एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में एक घर जीत जाती है। तब गैब्रियल डिसाइड करती है अपने लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए। न्यूजीलैंड पहुंचने के बाद वहां एक यंग और हैंडसम कॉन्ट्रैक्टर से मिलती है जो उनके घर की कंडीशन को रिपेयर करने में मदद करता है। उसके बाद अपोजिट कैरेक्टर होने के बाद भी भाई धीरे धीरे करके वो दोनों के बीच की वो प्यार वाला इमोशन डेवलप होता है जो यकीन मानो भाई आपको 100% कनेक्ट करेगी। और सबसे खास बात है इस मूवी की इन दोनों की केमिस्ट्री, वो अप्स डाउन खट्टी मीठी लव स्टोरी जो आपकी इमोशंस को हीट करेगी। एक बार डेफिनेटली आप इस मूवी को देखिए, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 6 की मूवी हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड आपके बेस्ट पार्टनर बन सकती है। ये मूवी हर एक स्टेज पे अलग अलग लेयर के साथ हमें दिखलाती है 2014 की रोमांस ड्रामा के साथ लव एंड रोजी। स्टोरी भाई दो बचपन की फ्रेंड की है जो आपस में एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर एक दूसरे को कभी बता नहीं पाते। अलग होते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कई साल बीत जाती है। इसकी सबसे खास बात लगी भाई, इसकी स्टोरी एक मूवी की तरह नहीं है। दो बेस्ट फ्रेंड की कैरियर, उनकी पूरी लाइफ, उनकी जर्नी, प्यार होते हुए भी एक दूसरे को समझना, उसके लिए सही क्या होगा, गलत क्या होगा, उनकी लाइफ की डिसीजन, ये सब अलग अलग लेयर के साथ हमारे सामने रिप्रेजेंट करती है। क्या एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा प्यार का हैप्पी एंडिंग हो सकती है? केवल 1 घंटे 42 मिनट की मूवी भाई लाइफ की कई सारी चीजें दिखला जाती है। जरूर देखिए मूवी, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की मूवी, आप सभी में से हर एक कोई इस मूवी को देख ही रखा होगा। आज भी भाई इसके एक एक सीन याद है, जैक एंड रोज की वो टाइटैनिक पे सनसेट वाला सीन, वो जैक की ड्रॉइंग, क्लाइमेक्स में जैक एंड रोज की वो वाटर वाला सीन, और सबसे बड़ी बात भाई इनकी बॉन्डिंग यार, हमारी इमोशन से कम नहीं। ऐसी आइकॉनिक एपिक मूवी सदियों में एक ही बार बनती है। जी हाँ भाई, हम बात कर रहे हाईएस्ट ऑस्कर विनिंग मूवी एपिक रोमांस ड्रामा के साथ टाइटैनिक। ऐसी मूवी को नहीं देखा तो क्या देखा भाई, अभी जाकर देखिए, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 5 की मूवी, इनकी कॉन्सेप्ट और इनकी रोमांटिक थीम काफी इंटरेस्टिंग है, और क्यों ना हो भाई जब शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस वाला लव हो तो। 2004 की रोमांस कॉमेडी के साथ 51st डेट। ऐसी लव स्टोरी काफी कमाल की होती है भाई, जिसमें अगर आपको भूलने की बीमारी हो। स्टोरी ऐसे ही एक मासूम सी लड़की की है जिसे भूलने की बीमारी है, जिन्हें हमारे हीरो से प्यार हो जाता है, पर मजे की बात तो ये है कि अगले दिन सब कुछ भूल जाती है। हर रोज फिर से ये दोनों अनजान बनकर मिलते हैं, फिर से प्यार करते हैं, अगले दिन फिर भूल जाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर भूल जाते हैं। वो इमोशंस देखने में मजा बहुत आता है भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, इसकी कॉमेडी सीन आपको कई जगह पर आपको हंसाएंगी। मूवी में ऐसे ऐसे कई सीन है भाई जहां आप इनकी इमोशंस को फील करते हैं। इनकी अजीबोगरीब कैरेक्टर आपको काफी पसंद आएंगे। क्या इनकी लव स्टोरी ऐसे ही चलेगी या फिर बात होगी कुछ और, वो तो भाई आप इस इंटरेस्टिंग मूवी में देखो, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 4 की मूवी रोमांस जेलेसी के साथ भाई सिचुएशनल कॉमेडी देखने को मिल जाए तो मजा तो आता है। नंबर 4 की मूवी कॉमेडी के साथ आपको रोमांस भी फील कराएगी। 2011 की रोमांस कॉमेडी के साथ क्रेजी स्टूपिड लव, मूवी की जिस तरह से नाम है भाई, पूरी मूवी क्रेजी एंड स्टूपिड टाइप है। स्टोरी एक हस्बैंड एंड वाइफ की है। एक दिन एकदम से इनकी वाइफ इनसे डिवोर्स लेने की बात करती है, इसलिए कि वो अब पहले की तरह कूल एंड चार्मिंग नहीं रहे, बोरिंग हो चुके हैं, अपनी लाइफ से परेशान। तब भाई एक बार में एक लव गुरु से मिलता है, कूल और हैंडसम, इनके पीछे लड़कियों की लाइन लग जाती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सब अपने वाइफ को जलाने के लिए करता है। उसके बाद धीरे धीरे करके वो लव रीडेवलप होता, वो देखने में भाई मजा आएगा। ऊपर से इनकी कॉमेडी एंडिंग में वो लव वाला खिचड़ी, खतरनाक मूवी को जरूर देखिएगा, इसकी कॉमेडी और क्लाइमेक्स आपको जरूर पसंद आएगी, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की मूवी वैम्पायर वेयरवुल्फ, ऊपर से इंसानों के बीच की लव स्टोरी हो तो भाई पूछो मत, एक अलग ही लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। और क्यों ना है भाई, वो खून पीने वाला कॉन्सेप्ट के साथ सुपर पावर हो तो, जिसमें 2008 से टोटल 5 पार्ट रिलीज हो चुकी है रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ ट्वाइलाइट सागा फिल्म सीरीज। एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच की एपिक लव स्टोरी देखने को मिलेगी।
जरूर देखिए। इसके सारे पार्ट हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की मूवी यार, जब रिवेंज के बाद वाला प्यार होता है ना, वो काफी कमाल की होती है। गजब की इमोशंस देखने को मिलेंगी। 2010 की रोमांस ड्रामा थ्रिलर के साथ रिमेम्बर मी, टायलर जो अपने फैमिली प्रॉब्लम से परेशान है, एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उन्हें जेल में बंद कर देते हैं। जेल से निकलने के बाद ठान लेता है कि उनकी बेटी को पटाकर उनसे बदला लेंगे। उसके बाद की स्टोरी आप मूवी में देखो, कैसे रिवेंज लेने के लिए झूठ मूठ का प्यार धीरे धीरे करके सच्चे प्यार में बदलता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने में मजा बहुत आएगा। बात करें इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट के, तो भाई इसकी लो ग्रेड की हिंदी डबिंग, बीच के कुछ मिनट छोड़ भागने का मन करता है। लेकिन भाई इसके एंडिंग के ट्विस्ट के लिए जरूर रुकना, आपको सरप्राइज भी करेगी और रिग्रेट भी फील करवाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके क्लाइमेक्स की वजह से मूवी को जरूर देखना। मूवी घटिया हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की मूवी के बारे में क्या बताएं भाई, सच्चे प्यार की परिभाषा हमारे सामने रखती है। किसी ने सही कहा है यार, प्यार शिद्दत और मन्नतों वाली होना तो पूरी कायनात झुक जाती है आपसे मिलाने के लिए। ये मूवी आपको दिखलाती है। 2004 की रोमांस कॉमेडी के साथ द नोटबुक। स्टोरी भाई एक गरीब लड़के की है जिसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब लड़की के पेरेंट्स को पता चलता है तो वही टिपिकल वाला पनिशमेंट शादी का, उनके पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और करा देते हैं। पर वो सच्चे प्यार को भुलाना मुमकिन नहीं। कई दिन बीत जाते हैं, कई साल बीत जाते हैं। इधर हमारे हीरो हर रोज एक खत लिखा करता है इस आस में कि लेटर पढ़कर एक दिन जरूर वापस आएगी। क्या ऐसा होता है या नहीं, ऐसी मास्टरपीस आइकॉनिक मूवी को एक्सपीरियंस कर आप फील करिए। क्या सच में वो लड़की वापस आएगी? क्या इनका प्यार सच में सच्चा है? क्या वो लड़की सच में वापस आएगी? वो तो भाई आप इस मूवी में देखो। कुछ ऐसे ऐसे एपिक मोमेंट है जो आपके दिल को छू जाएगी। डेफिनेटली देखिएगा मूवी हिंदी डबिंग के साथ। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की मूवी यार गजब का, क्या हो जब आपके ही मेमोरी से आपके प्यार को इरेज कर दिया जाए, अपने ही प्यार को आप भूल जाओ, पर कायनात को तो मंजूर कुछ और है। हम बात करें 2004 की साइफाई रोमांस ड्रामा के साथ इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। भाई आप एक साथ रहने के बाद आप डिसाइड करते हो कि आप दोनों एक दूसरे की मेमोरी मिटा दोगे, ये बोलकर कि हमारा प्यार सच्चा हो तो कायनात हमें फिर से मिलाएगी। क्या सच में इनका प्यार सच्चा है? क्या कायनात इन्हें अनजान बनाकर फिर से मिलाती है? वो भाई आप इस मूवी में देखो, इनके बीच की वो गजब की इमोशंस आपको फील होंगे। नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, मूवी हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 की मूवी यार प्यार एक जुनून है पागलपन है, इस लाइन को इस मूवी ने प्रूव किया है। एक मौत का फरिश्ता और एक इंसान के बीच की प्यार से सीधा 1998 की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ मीट जॉय ब्लैक। स्टोरी स्टार्ट होती है भाई हमारे लीड एक्ट्रेस से, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटी है, जिन्हें उनके पिता प्यार का सही मतलब सिखलाते हैं। उसके बाद एक दिन हमारे हीरो ब्रैड पिट से मुलाकात होती है। पहली मुलाकात में उनके बीच कुछ ऐसी बातें होती है जो कभी भूल नहीं पाती। पर ट्विस्ट की बात तो ये है कि जब दूसरी बार मुलाकात होती है तो हमारे हीरो के रूप में वो एक मौत का फरिश्ता होता है जो उनके पिताजी के साथ कुछ समझौता किया है। वो क्या है और मौत का फरिश्ता का ट्विस्ट क्या है, इसके लिए भाई आप इस मूवी को डेफिनेटली देखो। ये मूवी आपको दिल की गहराइयों की इमोशंस में ले जाएगी। क्या ही बताइए जॉय और ब्लैक के बीच की वो बॉन्डिंग, ऊपर से जॉय की ब्यूटी से आपको प्यार हो जाएगा। मूवी सिर्फ प्यार का मतलब ही नहीं सिखलाती, जिंदगी की कई सारी मतलब भी सिखलाती। इसके एंडिंग सैड भी है और हैप्पी भी। ऐसी एपिक रोमांस मूवी को मिस नहीं करें, जरूर देखिए हिंदी डबिंग के साथ। और आइए चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे टॉप रिव्यू टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं सही क्वालिटी।